अच्छा जी, 13 रेगुलर क्वेश्चन में 9 का भी मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ तक हमारा हुआ था, हमने पहले यहाँ तक कर लिया था इसका। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑप्शन वाइज स्ट्रेट लाइन मेथड किया था हमने, क्योंकि सवाल की रिक्वायर्ड थी आपकी, क्या निकालना था आपको, क्या निकाला पर एयर डेप्रिसिएशन, पर यूनिट डेप्रिसिएशन और पर आवर डेप्रिसिएशन। तो हमने पहले निकालेंगे पर एयर डेप्रिसिएशन यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो एयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर। कॉस्ट कितनी थी आपके पास, 4 लाख, ये लिखी हुई कॉस्ट। स्क्रैप है 15% यानी बनेगी 60,000, 4 लाख का 15% बनेगा 60,000। लाइफ है 5 ईयर्स, तो 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स कितना आ जाएगा आपके पास, 4 लाख माइनस 60, 340,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 68,000। ठीक है, इस बार हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली रिकॉर्डिंग से, वहीं से कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, आधी रिकॉर्डिंग्स की हो गई थी, आधी रह गई थी, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, फिर अगली पार्ट है इसका पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकालना है, पर यूनिट। तो कॉस्ट 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 60,000 और लाइफ इन यूनिट है 17,000। तो पर यूनिट पे आते हैं, 4 लाख माइनस 60 डिवाइड बाय 17,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट कितना बनेगा, 20 रुपए आपके पर यूनिट आ जाएगा, 20 रुपीज आपका पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर आएंगे वर्किंग आवर मेथड की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, पर आवर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। तो भाई कॉस्ट कितनी आपके पास, कॉस्ट है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 15% और लाइफ कितनी आपके पास इन आवर्स, 34,000 आवर्स। तो 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाय 34,000 आवर्स, 4 लाख माइनस 60 डिवाइड बाय 34,000, आपका पर आवर बना 10 रुपए। कितना बना, 10 रुपए पर आवर बना। तो भाई पहले साल कितने घंटे चली मशीन, पहले साल चली आपकी मशीन 1,000 आवर्स, दूसरे साल बनी आपकी 2,200 आवर्स। तो यहाँ बी पार्ट में बोल रहा है पर यूनिट, पर ईयर निकल चुका, पर आवर पे आ गए। तो पर आवर में आपने क्या करना है, इसको आगे डेप्रिसिएशन फर्दर निकालेंगे कि पहले साल 1,000 घंटे चली, दूसरे साल 2,200 घंटे चली, ये डेप्रिसिएशन निकालना है एडजस्टमेंट की पास करनी। तो 1,000 / 10 कितना आ जाएगा, 10,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया 2007 का, और 2008 का भी ऐसे आएगा 2,200 × 10 यानी कि 22,000। दोनों को ऐड करेंगे 32,000 आपका टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब सवाल की रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। ज़ायद आसिम जनरल जनरल, तो दो एंट्री बनेगी, एक 10,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दूसरी बनेगी 22,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पहली 10 से दूसरी 22 से। ठीक है बच्चों, यही सवाल हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, इसका सी पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे।